थाना झोटवाड़ा के एरिया में ऐसे एनडीपीएस की काफ़ी सामग्री है। जब एसएचओ झोटवाड़ा ने अपनी डीएसटी वेस्ट की टीम के साथ पे वो सूचना को डेवलप किया और उस पर एक्शन लिया तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद हुआ, अफीम बरामद हुई, काफ़ी कैश बरामद हुआ और उस पूरी कार्रवाई में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उन आरोपियों को पुलिस कस्टडी का पर लेके आया गया। जो FIR रजिस्टर हुई थी उसका अनुसंधान SHO सदर के द्वारा किया जा रहा था। गिरफ्तार शुदा मुलजिम तौफीक, जो अफीम का बड़ा सरगना है, स्पेशली इंटर स्टेट है और राजस्थान में तो सबसे बड़ा नेटवर्क तौफीक का ही है, SHO सदर ने DST वेस्ट और CST टीम के सहयोग से उससे सघन पूछताछ की। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको डेवलप किया गया। उस इनपुट के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई थाना VKI के एरिया में हुई, जिसमें लगभग 48 क्विंटल अफीम डोडा पोस्त को सीज किया गया। ये पूरी की पूरी कार्रवाई तौफीक की निशानदेही पर हुई। अभी फिर से हम 6 के 6 आरोपियों को पुलिस कस्टडी पर लेके आए हैं। 4 दिन का PC मिला है हमको, उनसे और ज़्यादा इंटरोगेशन की जाएगी, जिससे कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में और ज़्यादा चीज़ों का उजागर हो कि इनका रूट्स क्या है, ये कहाँ से लेके आते थे, कहाँ इनको आगे बेचते थे। इस पूरी की पूरी नेटवर्क पर हमारी टीम, जिला पश्चिम की टीम, हमारी DST और कमिश्नरेट की CST टीम काम कर रही है। DCP क्राइम साहब भी, इनके भी पूरी टीम हमें पूरा सहयोग दे रही है। सर, किस तरह से आगे लीड मिली थी इस पूरे मामले के अंदर और फिर किस तरह से आगे बढ़ते हुए इतनी बड़ी रिकवरी की गई? जैसा DCP साहब ने बताया है कि एक बड़ा सीजर कुछ ही दिन पहले यहाँ जो थाना इलाके झोटवाड़ा में हुआ था, उसी में जो 2 मुलजिम थे, इमरान और तौफीक, तो इनसे जो सघन इंटरोगेशन किया गया तो अपने को एक गोडाउन की सूचना मिली, जिस पर रेड करके ये इससे भी बड़ा एक सीजर जो 48 क्विंटल का डोडा पोस्ट का किया गया है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है तो इन्होंने अपना रूट इस तरह का बताया है कि MP और राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, खासतौर से मंदसौर, वहाँ के बड़े तस्करों से तौफीक का संपर्क है और ये भारी मात्रा में डोडा पोस्ट पहले से ही राजस्थान में लाता रहा है अवैध तरीके से तस्करी करके, और उसको मार्जिन पे फिर पंजाब और